टीबो लेना यानी कि खुद के इवेक्शन के बाद एजाज खान का आया फर्स्ट रिएक्शन सामने। आखिर क्या कहा एजाज खान ने, चलिए जानते हैं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में हाल ही में एजाज की प्रॉक्सी बनकर देबोलीना भट्टाचार्य जी आई थी, जो कि अब घर से बेघर हो चुकी है, जिसकी वजह से एजाज काफी अपसेट भी नजर आए। जी हाँ, और इसी के साथ उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, फैन पेज ने लिखा, एजाज खान हैज वॉन ट्रॉफी, किसी को भी मिले, बट इन दोज 106 डेज ही वॉन हार्ट। ट्रॉफी थी उसकी, अब जिसको भी मिलेगी वो खैरात में ही ट्रॉफी होगी। वेल, यहाँ पर असली विनर तो एजाज खान ही है। और इसी के साथ इस फैन पेज ने मेकर्स पर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा कि विनर के साथ तो मेकर्स ने खेल खेल दिया, एंड मेकर्स यू कांट प्ले अ गेम विद आर हार्ट्स एंड ही वॉन हार्ट्स। और सबसे बड़ी बात है, जब इस फैन ने ये सारी बातें लिखी तो इसको लाइक करते हुए नजर आए एजाज खान, यानी कि एजाज खान भी इस बात से सहमत है कि उनके साथ मेकर्स गेम खेल गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि देबोलीना की एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर में प्रॉक्सी के तौर पर, लेकिन वो प्रॉक्सी कम वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ज्यादा नजर आ रही थी। इनका गेम तो हम सभी ने देखा। दूसरी बात ये है कि पारस छाबड़ा एजाज खान की प्रॉक्सी देबोलीना के लिए कनेक्शन बनकर आए थे बिग बॉस के घर में, और उनका गेम भी हम सभी ने देखा, और अपनी हरकतों के चलते देबोलीना घर से बेघर हो गई। लेकिन अगर एजाज खान बिग बॉस के घर में होते तो ये कहना गलत नहीं होता कि टॉप 3 में एजाज खान शामिल होते। वेल, क्या कहना है आपको इस पर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।